दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो शशि देशपांडे जी ने लिखा है, जिसका नाम है दी एवोकिंग। दोस्तों इससे पहले हमने दो शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, दी इंट्रूशन एंड दी वाइंडिंग वाइन। बाइंडिंग वाइन एक नॉवल है दोस्तों, इसके ऊपर ये दोनों के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस किया है, तो आप वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आज हम जिस शॉर्ट स्टोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों, अवेकिंग। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी भी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ आप एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो करता हूँ, तो आप सबको हेल्प होगी। दोस्तों आप लोग के सपोर्ट की वजह मुझे भी चाहिए, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा मूल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चलिए शशि देशपांडे जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों कर्नाटका में हुआ था 1938 को। इन्होंने दोस्तों अपना शिक्षा जो लिया था वो लिया था बॉम्बे से और बेंगलुरु से लिया था। उन्होंने दोस्तों डिग्री हासिल किया था इकोनॉमिक्स में और लॉ में। उन्होंने दोस्तों उनका जो वर्क है लिटरेचर वर्क के लिए उन्होंने उनको बहुत सारा प्राइज़ भी मिला था। उनमें से साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था जो 1990 को मिला था। तो उनका जो नोवेल था दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला था। पद्मश्री भी मिला था 2009 को। दोस्तों अगर इनकी कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क के बात करें तो वो है इफ़ आई डाई टुडे, रूट्स एंड शेडोज़, ए मैटर ऑफ टाइम, द बाइंडिंग वाइन, द इंट्रूशन, कम अप एंड बी डेड एक्सेट्रा। और भी उनकी बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स है। अगर आपको चाहिए इनके वर्क्स के ऊपर पूरा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना है, मैं इनके वर्क्स के ऊपर एक बहुत ही सिंपल वीडियो आपको दे दूंगा जो आपको हेल्प होगी। तो दोस्तों हमने देखा है कि शशि देशपांडे जी ने जो भी नॉवेल शॉर्ट स्टोरी लिखा है उनमें उन्होंने जो थीम मेन जो थीम रखा है वो है कि औरतों के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरह से नाइंसाफी होता है सोसाइटी में, उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाया अपने वर्ड्स के द्वारा। बेसिकली उनकी जो शॉर्ट स्टोरी में लड़कियाँ होती है वो मतलब शिक्षित होती है, एजुकेटेड होती है। अगर आपने बाइंडिंग वाइन पढ़ा है, दी इंट्यूशन में देखा है, तो बहुत ही शिक्षित लड़की होती है। इसके बाद भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में मेंस के द्वारा, क्योंकि एक जो मेन जो एक सिस्टम हमारा कि मेन ही सुपीरियर होते हैं। आज तो दोस्तों बहुत ही चेंज हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब शशि देशपांडे जी ने लिखती थी तो उनकी सोसाइटी में उस टाइम के जो सोसाइटी के जो लड़कियाँ थी, जिस तरह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था लड़कियों के द्वारा मेंस के द्वारा, तो उनका आवाज़ शशि देशपांडे जी ने उठाया है। बेसिकली दी एवरकिंग में अगर हम देखते दोस्तों, इसमें एक लड़की का स्टोरी को बहुत ही अच्छे से शशि देशपांडे जी प्रेजेंट किया है। इसमें दोस्तों एक लड़की होती है जिसका बहुत ही इच्छा रहता है कि वो एब्रोड में जाकर अपना फर्दर शिक्षा ले। हर लड़कियों के मन में दोस्तों बहुत सारी इच्छा होती है, फैसिनेटिंग होती है। तो बेसिकली एक लड़की का जो इच्छा है देशपांडे जी ने यहाँ पे उठाया कि उसका एक बहुत इच्छा है कि वो विदेश में जाकर शिक्षा ले। लेकिन दोस्तों उसका जो इच्छा है, उसका जो विश है, वो फुलफ़िल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी डेथ, उसकी जो फादर होती है उनका डेथ हो जाता है। और ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन ऐसा भी है, ऐसा है, अगर हम इस शास्त्र को पढ़ते हैं दोस्तों, हमें पता चलता है कि वो इस फैमिली में वही एक थी जो अर्निंग कर सकती थी, तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और उसको जॉब ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों उसका जो इच्छा है कि वो एब्रोड जाकर शिक्षा ले, उसका अधूरी हो जाती है, रह जाती है, और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फादर का डेथ हो जाता है तो उसके बाद कोई भी नहीं रहता कि वो फैमिली को सपोर्ट करे, तो उसको अनफॉर्चुनेटली एक जॉब ढूंढनी पड़ती है टाइपिस्ट की, और वो जॉब करने लगती है। तो बेसिकली दोस्तों ये एक सिंपल स्टोरी को बहुत ही अच्छे से बताया गया है इस शॉर्ट स्टोरी में। दोस्तों बेसिकली हमें अगर देखते हैं कि शशि देशपांडे जी ने उनकी शॉर्ट स्टोरी में अगर हम देखते हैं, तो एक लड़की का जो इच्छा अधूरा होता है सोसाइटी में, वही उन्होंने मतलब प्रेजेंट किया है। तो उसकी भी एक इच्छा थी कि वो हर लड़की की तरह जो हर मतलब बेसिकली उसकी एक इच्छा थी कि वो एब्रोड जाकर शिक्षा ले, मतलब अच्छे से वो शिक्षा ले,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो इच्छा है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, क्योंकि उसके जो डैड है उनका डेथ हो जाता है और फैमिली बहुत ही गरीब होती है दोस्तों। मतलब ऐसा बताया जो नहीं गया, लेकिन पता चलता है कि फैमिली में वो ही एक थी जो अर्निंग कर सकती थी, और उसको ना चाहते हुए भी एक जॉब ढूंढनी पड़ती है, और उसका जो जीवन है वो अल्टीमेटली एक मतलब एक टाइप की हो जाती है कि उसकी जो इच्छा है फुलफ़िल नहीं हो पाती। तो इस टाइप के दोस्तों उस टाइम पे होता है कि लड़कियों को मतलब किस तरह से वेरियस प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप इंट्रोडक्शन का पढ़ते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल जो हरासमेंट है वो मिलता है। यहाँ पर अगर आप दोस्तों तो इस शॉर्ट स्टोरी में बेसिकली ये बताया गया कि किस तरह से एक लड़की की इच्छा को हमेशा फुलफ़िल नहीं हो पाती है, अधूरा रह जाती है। तो बेसिकली इसको ही एलोबोरेट किया गया है दोस्तों। तो हमने बेसिकली इस शॉर्ट स्टोरी में एक सिंपल समरी देखा है। अगर आपको फुल समरी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं फुल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आप सबके लिए। और आज के लिए इतना दोस्तों, अच्छे रहिए, गुड बाय, गुड बाय, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।